वेलकम श्री राजकुमार जी, कोच क्रिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में है और हम उनकी तरफ लगे हुए हैं। बस आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि आप एक अपना टारगेट निश्चित कीजिए कि हमने अपने स्कूल से हर एक बच्चे को या किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप को हमने नेशनल में भेजना है, उसको तैयार करवाना है। ये आप एक अपना टारगेट अचीव कीजिए। सर पिछो जो ही पिछो जो सर जहाँ पे हमारा फिजिकल का स्टाफ लगा हुआ है तो उसके सारी कॉपरेशन से ये हमारा यहाँ पे काम चलता है। तो बाकी मैं सर के डॉक्टर साहब और जॉइंट डॉक्टर साहब का ज़्यादा थैंक्सफुल तभी दोबारा कर रही हूँ क्योंकि उनका इतना बिजी शेड्यूल की वजह से भी उनके मेरा एक बार रिक्वेस्ट करने से वो सर यहाँ पे आए। बहुत बिजी शेड्यूल था तो सर यहाँ पे आए। सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज स्पोर्ट्स कल्चर को जो है वो एक प्रोत्साहन जो गवर्नमेंट की बड़ी एक फोकस है कि स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे जो गैदरिंग हुई है उसको देख के बड़ी खुशी हुई। इसका श्रेय जो है हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जाता है जिन्होंने ये एलजी ट्रॉफी जो है ये शुरू की और इसमें मौका दिया 19 से 35 साल के लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का। ये जो एलजी ट्रॉफी है इसका मेन मकसद यही है कि स्पोर्ट्स जो है ये किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप तक महदूद ना रहे। दिस इज फॉर ऑल, ये सभी सेक्शंस जितनी भी सोसाइटी की सेक्शंस हैं सभी को पार्टिसिपेट करवाने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में ये एक प्रोत्साहन दिया है। एलजी साहब ने शुरुआत की है, अभी हमने इसमें क्रिकेट इंट्रोड्यूस किया है लेकिन इसके साथ साथ ही उनकी तरफ से आदेश है कि इसमें और भी गेम्स जो हैं वो शामिल की जाएं। तो जैसे ही हमारा ये सक्सेसफुली इवेंट कंक्लूड होता है क्रिकेट का तो इसमें होप है कि बाकी गेम्स के बारे में भी जो है वो संज्ञान लिया जाएगा। मैं बात करता हूँ कि एक छोटे से नोटिस पे आपने अच्छा यहाँ सिलेक्शन कम ट्रायल इवेंट जो है वो रखा है एलजी रोलिंग ट्रॉफी के लिए, तो होप करेंगे कि एलजी रोलिंग ट्रॉफी अच्छा सिलेक्शन करके यहाँ से अच्छी सी टीम भेजे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर साहबान ने बोला है, हमारे मेरे साथी जॉइंट डायरेक्टर अतुल जी ने बोला है, उसी के ऊपर थोड़ा सा ऐड करके तो आपको बेस्ट विशेस दूंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा मैंडेट क्या है। मेरे राइट साइड मेरे स्टाफ मेंबर बैठे हुए हैं, टीचर मास्टर लेक्चरर्स, उनके लिए जो मैसेज देना चाहता हूँ मैं वो बस यही है कि जम्मू की जो पार्टिसिपेशन रहती है यूटी लेवल पे वो बड़ी कम रहती है। जम्मू के मैंने मेरा पूरा जम्मू प्रोविंस है फ्रॉम लखनपुर टू पूंछ, तो हम देखते हैं कि कश्मीर के कंपैरिजन में जम्मू की पार्टिसिपेशन या तो रहती कम है या दिखती कम है। तो इसका कल जस्टरडे वी वर इन कठुआ तो वहाँ भी हम रीज़न टटोल रहे थे कि क्या रीज़न है कि कश्मीर के मुकाबले हमारी पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स इवेंट्स में कम दिखती है। तो इसके लिए जो गैप है ये दिखना और लिखना, इसको आपने फिल करना है। इसके लिए मैं आपका तावन चाहूँगा, आपकी सपोर्ट चाहूँगा।